तो गाइस आज है हमारे पास Xbox 360 जो लाइक 50 प्लस गेम्स इसमें आपको लोड होके मिल जाते हैं, जिसमें GTA 5 भी रहेगा गाइस। 4 USB के इसमें आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। आगे से इसमें ये टच वाला बटन है, हाँ ये टच होता है। आज मैं लेके आ गया हूँ Xbox 360 का रिव्यू, जो कि मुझे काफी जो उन्होंने कहा था कि भाई Xbox के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज हम Xbox के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंसोल को मैंने काफी टाइम यूज करा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ। तो मैं आज आपको मेरा पूरा रिव्यू, मेरा पूरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, मैं आपको आज सारा शेयर करूंगा। तो भाई बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में कि आपको ये कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, नया मिलेगा या पुराना मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये आपको नया तो मिलने वाला है नहीं और नया लेने का कोई फायदा भी नहीं। ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट होते हैं गेम्स की काफ़ी सारी है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है उनके बारे में। अगर आप दिल्ली में रहते हो काफ़ी अच्छा है, दिल्ली में करोल बाग है, लाजपत राय मार्केट है, जहाँ पे आपको इजीली Xbox 360 मिल जाएगा विद गेम्स। आपको ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, करंटली 7,000 का मिल रहा है। उसके साथ आपको एक ओरिजिनल कंट्रोलर मिलेगा। आप देखो मेरी बात ध्यान रखना, अगर आप लेने जा रहे हो Xbox 360 तो आप एक ऐसा कोई बंदा लेके जाओ जिसे नॉलेज हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप ओरिजिनल कंट्रोलर लेके आओ, क्योंकि कई सारे जने कॉस्ट कटिंग के लिए फेक भी दे देते हैं। तो एक बार चेक कर लेना कि आपका कंट्रोलर ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद हार्ड डिस्क आती है इसके अंदर 500 GB की, एक बार उनसे पूछ लेना कि भाई 500 GB हार्ड डिस्क ही है ना ये। उसके बाद उसमें अपने गेम सारे चेक करना, वहाँ पे बैठ के सारे गेम चेक करना, उसमें एक बार देख लेना अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि आप ऐसा हो कि आप घर लाए और फिर आप वापस जा रहे हो, फिर वो बोल रहा है कि आपने खराब कर दिया या ऐसा कुछ, तो आप पहले ही सारा देख लेना कि इसमें गेम चल रहे हैं या नहीं। इसकी HDMI पोर्ट्स चेक कर लेना। गेम का तो सीन ऐसा है, कुछ इसमें GTA 5 आपको मिल ही जाता है, उसके अलावा इसकी लाइब्रेरी काफी अच्छी है, इसमें बहुत सारे गेम है और इसका अपडेट आते ही रहा था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि Xbox 360 जैसे लॉन्च हुआ उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया। ये 2005 में लॉन्च हुआ था, फिर भी उसके काफ़ी टाइम बाद 2016 में जाके बंद हुआ था। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट आए थे और काफ़ी इसमें अपग्रेड करा था, तो इसकी गेम की लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी थी। इसमें आपको GTA 5 तो मेन मिल ही जाता है, उसके बाद हेलो मिल जाता है, उसके बाद आपको काफ़ी सारे रेसिंग गेम्स मिल जाते हैं, असासिन स्क्रीड मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम। इसमें आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मिल जाता है, ब्लैक ऑप्स 2 मिल जाता है। तो गेम के मामले में तो बेस्ट है, परफॉर्मेंस में देखा जाए तो ये PS3 से अच्छा है। अगर आप हार्ड डिस्क वाला लेते हैं तो आपको 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, प्लस उसमें आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे, लाइक 50 प्लस गेम्स इसमें आपको लोड होके मिल जाते हैं, जिसमें GTA 5 भी रहेगा गाइस। और अगर आप CD वाला लेते हैं तो आपको थोड़ा चीप में मिल जाएगा, वैसे उसका भी रेट सेम ही रहता है, पर उसमें आपको CD खरीदनी पड़ेगी और Xbox 360 की इतनी CDs मिलती भी नहीं और आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप Xbox 360 लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीप में गेमिंग मिल जाएगी। Xbox में बड़े आराम से GTA 5 चल जाता है, अभी चल भी रहा है GTA 5, और इसके अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आजकल के कंसोल्स में भी नहीं आ रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको Xbox 360 क्यों लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो मैं PC बनवा लेता हूँ, या इससे बढ़िया मैं PS3 ले लेता हूँ या PS4। तो गाइस देखिए कि अगर आप एक PC बनवाने जाते तो आपको मिनिमम PC कम से कम 20,000 का तो बनेगा ही आपका। उसमें आपको काफ़ी मरी मरी गेमिंग होगी, मतलब कि उसमें आपका GTA 5 चलेगा नहीं शायद, काफ़ी दिक्कत है उसमें। और ये प्लग टू प्ले है, इसमें आप मस्त अपनी केबल लगाओ, TV से कनेक्ट करो और पूरा दिन गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलर आता है इसका, पर इसके कंट्रोलर की एक ड्रॉबैक है कि इसमें बैटरीज लगती है, और अगर आप बैटरीज नहीं लेना चाहते हो तो इसमें एक पीछे पिन भी लगती है, केबल भी आती है इसकी जो सीधा कनेक्ट हो जाती है, तो उसको चार्ज भी करती रहती है, तो वो भी बेस्ट है। और प्लस अगर आप Xbox 360 लेते हो तो इसमें आपको पहले से ही काफ़ी सारे गेम मिल जाते हैं, डाउनलोड करने की भी दिक्कत नहीं है, तो काफ़ी फायदा है। अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अभी जाके Xbox 360 ले लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं PS3 क्यों ना लूँ और मैं Xbox 360 क्यों लूँ, क्योंकि दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। तो देखो अगर आप 8,000 का Xbox 360 लेते हैं तो आपको शायद 10,000 का तो मिलेगा ही सुपर स्लिम जो आता है PS3 का, जो कि सुपर स्लिम सबसे बेस्ट है उसमें। अगर आप स्लिम भी लेते हो तो आपको इसी की रेंज में बिल्कुल मिल जाएगा। और मैंने माना कि PS3 में काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर असेंशन और काफ़ी अनचार्टेड के भी गेम्स है उसमें, पर उसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता है कभी कभी, क्योंकि वो मशीन जो है ना वो पहले तो काफ़ी महंगी थी और उसमें उसके जो अपग्रेड्स है ना वो भी इतने खास नहीं है, मतलब उसमें इतनी पावर नहीं है कंपेयर टू Xbox 360 काफ़ी ज़्यादा पावर है। मतलब आप गेमिंग करते हो आपको कहीं ना कहीं PS3 से बेटर ही मिलेगा इसका परफॉर्मेंस। और प्लस बात करी जाए इसके हार्डवेयर्स की, तो इसमें काफ़ी अच्छे हार्डवेयर्स है, मतलब ये Xbox की तरफ से एक, मतलब जिसे कहते हैं ना लेजेंड कंसोल कहा जाता है इसको। और
तो ऐसा कुछ आपको Xbox 360 पीछे से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका पावर का कोड लगता है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा होता है। यहाँ पे आपको एक HDMI केबल का पोर्ट मिल जाता है, के बाद आपको इथरनेट का मिल जाता है जो किसी काम का नहीं है इसमें, और 3 USB के मिल जाते हैं, मतलब 4 USB के इसमें आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। आगे से इसमें ये टच वाला बटन है, हाँ ये टच होता है, प्रेस नहीं होता है। काफ़ी बढ़िया लगा ये फीचर कि ये टच बटन है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी USB के कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे CD डलती थी, पर अभी हमारा जेल ब्रेक है तो इसमें CD नहीं डल सकता। उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड में यहाँ आपकी हार्ड डिस्क डलती है। अभी मेरे इसमें हार्ड डिस्क नहीं है, इस स्लॉट में जाके आपकी हार्ड डिस्क डल जाती है जो कि आप मार्केट से लेते हैं, और उसी में आपके सारे गेम्स लोड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको हार्ड डिस्क डालने का देखने को मिल जाता है। उसके बाद ऐसा कुछ आपको आपका कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि सही बताऊँ तो काफ़ी कूल है। और आप अगर इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं तो ये हिलेगा ही भाई, बड़ा मस्त है ये फीचर इसका। और ये भारी है थोड़ा, पर बढ़िया है, मतलब कि ऐसा सॉलिड कंसोल है। तो गाइस ऐसा आपको कुछ एक्सबॉक्स का कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। तो इसकी खास बात ये है कि इन हैंड फीलिंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी ग्रिप जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। कंपेयर टू स्टैंडर्ड PS के कंट्रोलर से देखा जाए तो इसकी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर की साइड में इसका ये जॉयस्टिक, और मतलब इसमें थोड़ा कुछ अलग करा था उन्होंने, और इसके कीज भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसके, अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। बीच में आपको मेन बटन देखने को मिल जाता है जो कि होम बटन जैसा वर्क करता है, साइड में वही स्टार्ट बटन मिल जाता है। इसकी जॉयस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रीली मूव करती है, और आज तक अभी इसकी स्किट नहीं हुई जॉयस्टिक, या ड्रिफ्ट नहीं करा कभी, काफ़ी टाइम से है मेरे पास जबकि। उसके बाद आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं ट्रिगर्स, जो कि L1 R1 L3 और एक क्या ही ब्रांड सुन। तो ऊपर की साइड में आपको इसकी कीज देखने को मिल जाती है जो कि सेम है R1 R2 L1 L2 जैसी, और इसका ये वाला फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा। ये ट्रिगर काफी सही लगता है, मतलब कि पता नहीं क्यों, ये जैसे रेसिंग गेम जब भी खेलते ना, ये वाला ट्रिगर काफी बढ़िया है। इसका ये वाली की काफी अच्छी है, और प्लस इसकी इन हैंड फीलिंग काफी बढ़िया है। देखा जाए तो ओवरऑल ये कंट्रोलर तो काफी अच्छा है, बस इसकी एक बहुत बड़ी कमी है जो कि है इसकी ये पीछे की बैटरी। इसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है, मतलब लिटरली आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक नई बैटरी लानी पड़ती है इसके लिए, जो कि काफ़ी बेकार है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप इसके ऊपर यहाँ पे केबल का ऑप्शन है वो लगा ले तो ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको एक्सबॉक्स 360 लेना है इन 2023 तो ये बेस्ट टाइम है आपका लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो ये बेस्ट कंसोल है। जो कि मेरी रिकमेंडेशन तो टोटल यही है कि भाई आप अभी जाके एक अपने लिए एक्सबॉक्स 360 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ और जाके अपने लिए एक एक्सबॉक्स 360 ले लो भाई, क्योंकि ये बेस्ट है। अगर आप PC पे जाएंगे ना तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, और अगर आपको सिर्फ GTA 5 ही खेलना है, मतलब हमें कुछ नहीं खेलना, हमें सिर्फ GTA 5 खेलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ग्राफिक्स से, तो आप अभी जाके Xbox 360 लिया भाई, पर लाना हार्ड डिस्क वाला ही जिसमें गेम लोड हो पहले से, तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बचेगा। यही थी आज की वीडियो में Xbox 360 के ऊपर। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दे दूंगा जल्दी फास्ट, और आपको मैं पूरा अच्छे डिटेल से और बता दूंगा कि आप कैसे ले सकते हैं, और मैं आपको नंबर भी दे दूंगा शॉप का। अगर आपको एक्सबॉक्स लेना है आज ही तो आप जाके वहां से ले सकते हैं, वो मेरे जानने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, सस्ते में आपको मिल जाएगा अच्छा Xbox 360। थैंक यू गाइस।